To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज हम देखने जा रहे हैं स्टैटिक एंड डायनामिक फॉरकास्ट. असल में हम जब भी रेगुलेशन के थ्रू फॉरकास्ट करते हैं तो हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं कि डायनामिक स्टैटिक फॉरकास्ट किया जा रहा है, डायनामिक फॉरकास्ट किया जा रहा है. अब स्टैटिक और डायनामिक फॉरकास्ट है क्या, उसको समझें ज़रा. फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास एक मॉडल है, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स प्लस बीटा टू वाई टी माइनस वन प्लस एरर टर्म. अच्छा, अगर आप इस मॉडल को गौर करें तो आपको ये कौन सा मॉडल नज़र आ रहा है? यहाँ ये एक ऑटो रेग्रेसिव टर्म नज़र आ रही है, जिसमें हमने ये कहा था कि ये पूरा मॉडल तो सिर्फ ऑटो रेग्रेसिव नहीं है क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं, तो ऑटो रेग्रेसिव टर्म इसमें मौजूद है, यानी डिपेंडेंट का लैग मौजूद है. ये याद रखिएगा, अगर कोई किसी रेग्रेशन मॉडल में डिपेंडेंट का लैग मौजूद हो, अगर किसी रेग्रेशन मॉडल में डिपेंडेंट का लैग मौजूद हो तो ये उस मॉडल के लिए डायनामिक टर्म होगी. हाँ भाई, डायनामिक टर्म मौजूद है. डिपेंडेंट के लैग की वजह से ये डायनामिक टर्म मौजूद है. डिपेंडेंट का अगर लैग मौजूद होगा तो आप कहेंगे डायनामिक टर्म मौजूद है. इसकी मौजूदगी में आप डायनामिक फॉरकास्टिंग भी कर सकते हैं और स्टैटिक फॉरकास्टिंग भी कर सकते हैं. अभी जाके आगे जाके क्लियर होगा. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई मॉडल ऐसा लिखा हुआ है तो ये जो मॉडल है, एक तो इसमें डायनामिक टर्म नहीं है, इसका मतलब प्योर स्टैटिक मॉडल है. और याद रखिएगा, इस मॉडल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फॉरकास्टिंग हो सकती है, डायनामिक फॉरकास्टिंग नहीं हो सकती. डायनामिक फॉरकास्टिंग क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डायनामिक टर्म ही इस मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करती. तो अभी तो सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी समझाइए कि ये डायनामिक टर्म है क्या. जो डिपेंडेंट की लैग वैल्यू होती है वो डायनामिक टर्म कहलाती है. अगर वो किसी मॉडल में मौजूद हो तो ऐसे मॉडल से हम डायनामिक फॉरकास्ट भी कर सकते हैं, स्टैटिक फॉरकास्ट भी कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी मॉडल में ये डायनामिक टर्म ना हो, डायनामिक टर्म नहीं होने का मतलब डिपेंडेंट का लैग मौजूद ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉरकास्ट कर सकते हैं? स्टैटिक फॉरकास्ट कर सकते हैं. अब हम बेसिकली समझते हैं कि ये स्टैटिक और डायनामिक फॉरकास्ट में डिफरेंस क्या है. जैसे हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स मौजूद होंगे, यानी ये हमारे पास फॉर एग्जांपल y है, ये हमारे पास x है और ये है y t माइनस वन, यानी इसी y का लैग. फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ कोई वैल्यूज होंगी, यहाँ x की कोई वैल्यूज होंगी, कोई ना कोई वैल्यूज होंगी, ठीक है. अच्छा, y का लैग का मतलब क्या है कि अगर ये करंट है तो यहाँ इससे एक पुरानी वैल्यू, तो यहाँ इसकी पुरानी तो कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ तो डैश आ जाएगा, यानी ये कोई वैल्यू नहीं है. इसकी पुरानी वैल्यू ये है तो इसके सामने यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई होगी. इस तरह इसके सामने यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखी हुई होगी क्योंकि ये इसका लैग है और हमने लेग वन लिया है तो उसके सामने इसकी एक पुरानी वैल्यू. तो ये आपके पास तीनों वेरिएबल्स आ गए अगर हम इस मॉडल को गौर करें और हम इसको रन करके ये बीटा वन बीटा टू क्या कर सकते हैं? एस्टीमेट कर सकते हैं. अच्छा, अब एक बात गौर से देखें, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी मौजूद है और डिपेंडेंट का लेग भी एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है. ठीक है, याद रखिएगा स्टैटिक फॉरकास्ट क्या होता है. स्टैटिक फॉरकास्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा. जो डेटा मौजूद है उसकी मदद से जो फॉरकास्ट किया जाएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? स्टैटिक फॉरकास्ट. फॉर एग्जांपल, ये एक्स गिवन है, यहां पर
y का लैग गिवन है और इसकी और भी वैल्यूज होंगी, लैग गिवन है। अब आपने क्या काम किया, यहाँ तक सैंपल को रोका और आप इस, यानी सैंपल आगे भी होगा लेकिन आपने यहाँ पर उसको यहाँ तक रोक दिया। जो आपने देखा होगा, हमने जब एक्स पोस्ट और एक्स एंटी फॉरकास्ट को देखा था, इन सैंपल और आउट ऑफ सैंपल फॉरकास्ट को, तो एक तरह से आप वही सिनेरियो गौर कर लें कि यहाँ पर हमने अपने पूरे सैंपल को यहाँ तक स्टॉप कर दिया। अब हमें फॉरकास्ट करना है, अब हमें, हालांकि वाई की वैल्यू गिवन है लेकिन फॉर एग्जाम्पल फॉरकास्ट परफॉर्मेंस जानने के लिए हमने वाई को एक्स पोस्ट फॉरकास्ट करना, इन सैंपल फॉरकास्ट करने के लिए। अब जब हम y की वैल्यू इन दोनों के हेल्प से, यानी x और yt माइनस वन की हेल्प से फॉरकास्ट कर रहे हैं, तो देखिए y की जो हर वैल्यू फॉरकास्ट हो रही है उसमें x भी गिवन है और y भी गिवन है जो डेटा का yt माइनस वन मौजूद है। हमने कोई yt माइनस वन अपनी मर्जी से नहीं लिया। तो जब गिवन डेटा की हेल्प से डिपेंडेंट वेरिएबल को फॉरकास्ट करेंगे, गिवन डेटा, चाहे वो लैग हो या कोई और वेरिएबल हो, गिवन डेटा की हेल्प से आप फॉरकास्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या कहलाती है, स्टैटिक फॉरकास्ट। गिवन डेटा की हेल्प से, यानी यहाँ पे जो लैग मौजूद है ये भी पहले से मौजूद था, यहाँ पे जो एक्स मौजूद है ये भी पहले से मौजूद था, इन दोनों के थ्रू आपने वाई की कुछ वैल्यू फॉरकास्ट की, तो गिवन डेटा की हेल्प से आपने फॉरकास्ट किया तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, स्टैटिक फॉरकास्ट। दूसरी तरफ आ जाए, ये y है, ये x है और ये y t माइनस वन है। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ y की वैल्यूज हैं, ये कुछ x की वैल्यूज हैं और ऑब्वियसली ये y है तो ये इसका t माइनस वन भी अवेलेबल है। अच्छा, अब यहां देखें गौर से, x क्योंकि एक एग्जोजिनस वेरिएबल है, तो लेट सपोज इस इसके बाद हमने y को फॉरकास्ट करना है, ये गिवन डेटा मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात गौर से देखें, y की ये वाली वैल्यू आने वाले पीरियड के लिए लैग बन जाएगी, जिस तरह ये वैल्यू इसके लिए लैग है, ये वैल्यू इसके लिए लैग है, तो ये वैल्यू आने वाले पीरियड के लिए लैग बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू उठकर यहां पर आ जाएगी। अब इसके और इसके थ्रू आप कोई ना कोई फॉरकास्ट वैल्यू कर लेंगे, वैल्यू वाई की कोई ना कोई वैल्यू फॉरकास्ट कर लेंगे, एक्चुअल भी होगी वैल्यू, एक्चुअल भी वो होगी लेकिन आपने वैल्यू फॉरकास्ट किया। और अब हम जब यहाँ पे जा रहे हैं तो जैसे ही हम यहाँ पर आए, अब हम वाई टी माइनस वन की एक्चुअल वैल्यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो इन वैल्यूज के थ्रू वाई फॉरकास्ट हुआ था ना, इसी को अगले साल के लिए लैग बना देंगे। जैसे ये वैल्यू आई थी ना, ये क्रॉस को क्रॉस कर देते, तो इसी को अगले साल के लिए क्या बना देंगे, लैग बना देंगे। अब वाई टी माइनस वन की एक्चुअल वैल्यूज इस्तेमाल नहीं हो रही है, अब वाई टी माइनस वन की फॉरकास्टेड वैल्यूज इस्तेमाल हो रही है मजीद फॉरकास्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस एक्स के हेल्प, इस एक्स को हमने यहाँ लैग बनाया और यहाँ पर कोई नया वाई फॉरकास्ट हुआ। अब अगले पीरियड के लिए हम क्या काम करेंगे, ये जो नया वाई आया है ना, इसको मॉडल में एज ए लैग शामिल कर लेंगे, फिर कोई नया फॉरकास्ट आ जाएगा, ये वाई की नई वैल्यू फॉरकास्ट होगी, फिर अब ये फॉरकास्ट होगी, अब ये अगले साल के लिए लैग का काम करेगी और फिर यहाँ पर दूसरी मजीद वैल्यू इस तरीके से फॉरकास्ट होती चली जाएंगी। तो स्टैटिक और डायनामिक फॉरकास्ट का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि स्टैटिक फॉरकास्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की गिवन वैल्यूज होती हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल फॉरकास्ट किया जाता है, जबकि डायनामिक फॉरकास्ट में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को फॉरकास्ट करते हैं और उसी फॉरकास्टेड वैल्यू को नेक्स्ट पीरियड के लिए गिवन वैल्यू इस्तेमाल करते हैं लैग में। जैसे ये वैल्यू फॉरकास्ट हुई, अगले वैल्यू के लिए t-1 बन गई, इससे ये वैल्यू फॉरकास्ट हुई, अगले के लिए t-1 बन गई,
इससे ये वैल्यू फॉरकास्ट हुई, अगले के लिए t-1 बन गई। तो डायनामिक और स्टैटिक फॉरकास्ट का बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्टैटिक फॉरकास्ट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लैग की गिवन वैल्यूज को कंसिडर करके फॉरकास्ट करता है, जबकि डायनामिक फॉरकास्ट क्या करता है, डायनामिक फॉरकास्ट y की फॉरकास्टेड और प्रिडिक्टेड वैल्यूज को इस्तेमाल कर रहा होता है नेक्स्ट पीरियड के लिए एज ए लैग वैल्यू। तो ये आपके पास कहलाता है डायनामिक फॉरकास्ट। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट गौर से वो समझ लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये y की वैल्यू है और नेक्स्ट पीरियड के लिए ये इसका लैग होगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये y की आखिरी वैल्यू और नेक्स्ट पीरियड के लिए इसका ये लैग होगा। इसका मतलब अगर मैं स्टैटिक फॉरकास्ट करूं या डायनामिक फॉरकास्ट करूं तो जो पहली वैल्यू फॉरकास्ट होगी ना वो सेम ही होगी। देखें, जो पहली वैल्यू फॉरकास्ट की है और जो यहां फॉरकास्ट की है वो सेम प्रोसेस से फॉरकास्ट की है कि यहां पर जो y है अगले साल ये y t-1 क्योंकि गिवन है तो आपने इसके थ्रू फॉरकास्ट कर लिया। इसी तरीके से अगर आप डायनामिक फॉरकास्ट में भी आ जाएं लेकिन जो ये वाली वैल्यू आई है y ये और ये उसका लैग, तो यहां पर जो वैल्यू निकलेगी इसमें स्टैटिक फॉरकास्ट में और डायनामिक फॉरकास्ट में जो फॉरकास्टेड फर्स्ट वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, वो सेम होगी क्योंकि उसके लिए yt-1 सेम है। हाँ, इसके बाद की जो y की फॉरकास्टेड डायनामिक में वैल्यूज है और स्टैटिक की वैल्यूज में वो फर्क वो तब्दील हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है कि डायनामिक फॉरकास्ट में हर उस फॉरकास्टेड को एज ए लैग इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि स्टैटिक फॉरकास्ट में जो फॉरकास्ट हो गई अब अगली वैल्यू गिवन ही इस्तेमाल हो रही है, नई निकलने वाली वैल्यू का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो स्टैटिक और डायनामिक फॉरकास्ट क्लियर हुआ। स्टैटिक और डायनामिक फॉरकास्ट में क्या डिफरेंस है कि स्टैटिक फॉरकास्ट में गिवन वैल्यूज के थ्रू डिपेंडेंट को फॉरकास्ट किया जाता है, जबकि डायनामिक फॉरकास्ट में हर फॉरकास्टेड वैल्यू को इस्तेमाल किया जाता है एज ए लैग वैल्यू। तो ऐसी सूरत में जो फॉरकास्ट किया जाएगा वो डायनामिक फॉरकास्ट किया जाएगा। और एट द एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप दोनों तरह से सेम मॉडल को दो तरह से फॉरकास्ट करें, यानी स्टैटिक के थ्रू और डायनामिक फॉरकास्टिंग करें, तो इन दोनों कंडीशन में जो पहली वैल्यू फॉरकास्ट होगी वो दोनों की कैसी होगी, सेम होगी। उसके बाद वैल्यूज में डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि यहां पे गिवन वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं और यहां पर फॉरकास्टेड वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं। तो आई होप आपको ये स्टैटिक और डायनामिक फॉरकास्ट का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।